सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान के एक फ्रेश एपिसोड में। एचआरडी मिनिस्ट्री ने जारी किया डिजिटल शिक्षा के लिए गाइडलाइंस। अब वो क्या गाइडलाइंस है और क्या गाइडलाइंस में शामिल की गई है, तो आज कुछ महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने छात्रों के लिए स्क्रीन समय पर एक कैप की सिफारिश की है। दिशा निर्देश के अनुसार पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा 30 मिनट के अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें अगले उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें, निशंक ने ट्वीट कर कहा, स्कूलों को प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश प्रज्ञाता पेश कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इससे डिजिटल शिक्षा के दौरान मानसिक एवं शारीरिक तनाव से निपटते सही छात्रों आदि के लिए अन्य मुद्दों पर अनुशासन की गई है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुए देश में स्कूलों में अभी डिजिटल माध्यम से पठन पठान का कार्य चल रहा है। प्रज्ञाता दिशा निर्देश में ऑनलाइन शिक्षा के 8 चरण शामिल है, जिसमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, गाइड, याक, असाइन, ट्रैक और प्रशासन शामिल है। निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशासकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए दिशा निर्देश की रूपांकन तैयार की गई है। ऑनलाइन योजना और डिजिटल शिक्षा जैसे कि अवधि, स्क्रीन समय, सावाबेस, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियां आदि के स्तर की समझ, हस्तक्षेप के तौर तरीके जिनमें संसाधन की अवधि, स्तरवार वितरण आदि शामिल है। साथ ही आपको बता दें, डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और सभी कुछ अच्छा हो, साइबर सुरक्षा और नैतिक प्रथाओं सहित साइबर सुरक्षा के बनाए रखने के लिए सावधानी और उपाय के भी बारे में चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न पहलों के साथ सहयोग और अभिसरण पे भी बात हुई। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।